The Congress on Monday demanded a criminal case against the officers who ordered the killing of farmers in Madhya Pradesh during the peasants' agitation on June 6. Congress leader Jyotiraditya Sindhya told media persons here in New Delhi, "जब घटना हुई तो गृह मंत्री कहते हैं पुलिस के द्वारा फायरिंग नहीं हुई। जब आत्महत्या मध्य प्रदेश में हो रही है तो गृह मंत्री कह रहे हैं किसान आत्महत्या नहीं कर रहे। और जो घोषणा की गई है कि एक इंक्वायरी कमीशन गठित की गई, उस इंक्वायरी कमीशन के बिंदुओं को अगर आप देखोगे तो आप और भी आश्चर्यचकित होगे कि उसमें एक लाइन भी नहीं है इस विषय पर कि गोली किसने चलाई उसकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। आज 6 परिवार के चिराग मिट गए, 7 परिवार के लोग आज भी घायल हैं, एक के सीने में गोली है, एक के जांद में गोली है, एक के हाथ में गोली है, लेकिन जिन लोगों ने गोली चलाई वे आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। बहुत सारी कोरी घोषणाएं की गई और अगर ये काफी नहीं है तो लोगों के जान और जीवन पे बोली भी लगाई गई है। पहले 1 लाख की मुआवजा राशि की घोषणा की गई, फिर 5 लाख की मुआवजा राशि की घोषणा की गई, फिर 10 लाख की मुआवजा राशि की घोषणा की गई और अंततः में 1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि की घोषणा की गई। और उन शोकाकुल परिवारों को कहा गया कि अगर आप भोपाल में नहीं आए और मुख्यमंत्री के मंच पे नहीं गए निवेदन करने के लिए, उपवास तोड़ने के लिए, तो फिर आपको ये राशि मुख्यमंत्री नहीं दे पाएंगे। तो धमकी भी दी गई। ये संवेदनशीलता है भाजपा की। Sindhya further said the Shivraj Singh Chauhan-led Madhya Pradesh government also indulged in bidding the compensation amount to be given to the farmers' families. The farmers in Madhya Pradesh were on strike since June 1st. They were demanding loan waivers and appropriate price for farm produce. IANS report.